कंट्रोलिंग। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने इसमें किया था, व्हाट इज कंट्रोलिंग, लिखा हुआ है आपके पास, देखिए कंट्रोलिंग क्या है। तो इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, हुज ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, इज टू मेजर वेदर ऑल द वर्क इज परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। जो पहले से प्लान बनाया गया था अकॉर्डिंगली उसी तरह से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको देखना और कंट्रोल करना। आज हम अभी इसमें लिखवाने जा रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट या बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग। लिखते चले जाएंगे, यानी आपके पास मेट है ऑलरेडी, बट वो बहुत एनफ नहीं है, कुछ तो लिखना है। तो ये सारे चीज अगर आपको लिखा हुआ रहेगा तो टू द पॉइंट आप तुरंत पलट कर पढ़ सकते हैं। याद करने का ये आसान तरीका है, आप इंपॉर्टेंस बोले, फीचर्स बोले, मेरिट डिमेरिट, इंपॉर्टेंस मेरिट डिमेरिट, पहले आप क्या करना चाहिए, आपको सारे पॉइंट्स को लिख लेना चाहिए जैसे मैंने लिखा है, और फिर उसके अंदर क्या लिखना है उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनलार्ज करना पड़ेगा ना, डील करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, इंपॉर्टेंस बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट फंक्शन इज अनडिनाइबल, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, यानी जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसमें कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है लोग क्या करते हैं, अपना मनमाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कंट्रोलिंग तो बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में, स्टूडेंट लाइफ में देखिए आपको कंट्रोल करता है, इसी तरह हर एक जगह। आप जब तक कंट्रोलिंग नहीं सीखेंगे तब तक जो आपने प्लान बनाया है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। विदाउट कंट्रोल ए मैनेजर कैन नॉट कंप्लीट हिज जॉब, बोलता है अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो कोई भी जॉब मैनेजर कंप्लीट नहीं कर सकता है ना करवा सकता है। All other managerial function may prove to be ineffective. Without control, manager का जितना भी काम है सब ineffective हो जाएगा। If there is no control in the enterprises, अगर enterprises के अंदर कोई control नहीं है तो सारा का सारा जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। Controlling makes us sure, controlling क्या करता है, आपको एक surety देता है that all managerial functions are being executed properly to attend the objective of the enterprises. जो आपने अपने concern के लिए plan बनाया है जिसको predetermined plan बोला जाता है वो controlling से आप पूरा कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या importance है, पहला to achieve organizational goal, जो organization ने goal fix किया है predetermined plan and target वो कंट्रोलिंग से ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, देखेंगे यही बात वहां पर लिखा गया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अगर कंट्रोल करने से क्या होता है, समय का वेस्टेज नहीं होता है, मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता है, कोई भी चीज का वेस्टेज नहीं होता है, यानी प्रॉपर वे से काम आगे बढ़ जाता है जिससे क्या होता है रिड्यूस होता है, कम से कम वेस्टेज होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंस है। थर्ड इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, देखेंगे जी जहां पर कंट्रोलिंग होता है, जहां पर भी कंट्रोलिंग होता है, हम लोग बोलते हैं कि यह कॉलेज बहुत अच्छा है, वो स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर डिसिप्लिन है। आप क्या बोलते हैं, वहां पर डिसिप्लिन है, वहां पर हम लोग अगर जाएंगे तो मेरा फ्यूचर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
वहां का जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है, तभी तो डिसिप्लिन जो लागू किया गया है वो सबको ही मान रहा है, कंट्रोल है तभी तो मान रहा है, नहीं तो कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो कोई मानेगा? कितना भी डिसिप्लिन तैयार कर दीजिए, कितना भी ऑब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। तो बोलता है कंटिन्यूअस चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉई। हम लोग इसका जो बेनिफिट है उसमें क्या है, जो मैनेजमेंट है यानी मैनेजर है वो कंटिन्यूअस चेक करता है कि इंप्लाई क्या कर रहा है। तो क्या हुआ, एक तरह का कंट्रोलिंग हुआ ना, तो चेक करेगा इंप्लाई को, तो नो डाउट इंप्लाई भी देखेगा कि कोई हमारे ऊपर नजर रखा है तो डिसिप्लिन के साथ काम करेगा, जैसा उसको बोला गया वैसा ही काम करेगा। तो इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, देखेंगे हम आपको इसमें क्या लिखा हुआ है, सो यू ही समझा दे रहे हैं, बाकी बहुत ही इजी लैंग्वेज में वही बात वहां पर बोला गया है। मोटिवेट द इंप्लाई, समटाइम्स काम करते करते बहुत सारे इंप्लाई समझ नहीं पाते हैं कि क्या काम करना है, नहीं करना है या कितना करना है। तो क्या होता है, अगर कंट्रोलिंग है, आपके ऊपर नजर रखा गया है, और अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सकता है। टू गाइड द इंप्लाई, इंप्लाई को गाइड किया जाएगा, ऐसे काम करो तब आप जो प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। बहुत बार होता है ना, काम करते करते आपको पता चलता है कि ये काम गलत हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कंट्रोलिंग है तो वो काम को आराम से गाइड करके सही किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, बड़े बड़े जो कंसर्न होते हैं उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अगर सही ढंग से कंट्रोलिंग रहेगा मैनेजमेंट का तो विथ वेरियस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन रहेगा, हर एक डिपार्टमेंट के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग रहेगा तभी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन एंड ऑफ एक्टिविटीज, काम का जो कोऑर्डिनेशन है उसके लिए हम लोग हमेशा एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, मूव करते हैं, बट कंट्रोल तो रहता ही है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग।